ओट्स कच्चे रह गए आज। गुड मॉर्निंग, हो गया आज का योगा सेशन। आज थोड़ा सा सबको रिलैक्स दिया क्योंकि रोज सब लोग 6 बजे उठ रहे थे सुबह सुबह, तो आज सोचा कि 7 बजे से क्लास करते हैं। सैटरडे है, थोड़ा सा इजी रहेगा सबके लिए। तीन दिन से ये जो तौकतई का इफेक्ट है, वेस्टर्न कोस्ट मुंबई से बात हुई और इधर लोगों ने बताया जो वेस्टर्न कोस्ट है वो खाली हो चुका है और जो तौकतई के साइक्लोन के जो बादल थे वो उठ करके हमारे नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से फैल चुके हैं। रोज़ सुबह बारिश होती है, कल रात में बारिश आंधी सब कुछ आया। देखो पौधों का क्या हाल किया है इन्होंने। करी पत्ता तो बिल्कुल ही उधर झूल गया है। और ये मेरे कद्दूओं की देखो क्या हो गया पौधों को। काफी जोरदार आंधी आई पर अब लगता है कि मौसम पूरी तरीके से खुल चुका है। सारे जो तौकतई इफेक्ट की जो मैं बात कर रहा था वो तौकतई इफेक्ट पूरी तरीके से जा चुका है क्योंकि आज जो धूप है, आज जो बादल है वो ऐसा लग रहा है कि सूरज देवता जो 2 दिन का 3 दिन का बैकलॉग रहा है उसके साथ में बाहर निकल के आएंगे, चटका देंगे एकदम से। तो खाए जा रहे हैं ओट्स, बन मक्खन, एप्पल। आदू जी एप्पल खाइए। अरे खाया जाता है एप्पल, उठाओ उठाओ, इतना तो खा लिया आपने ना, अभी नहीं खत्म हुआ है। ये जो है ये डेली का ब्रेकफास्ट है मेरा, ओट्स एंड ब्रेड बटर, माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, रोज खाता हूँ। तुम खाते हो? बताओ इनको, जोर से बताओ, आवाज ही नहीं आ रही है। क्या खाते हो रोज? रोज ये खाता हूँ, ये खाता हूँ, ये खाता। और एप्पल कौन खाता है? गुड, खाओ। क्या बनना है आपको? थोड़ा बर्ड हो जाओगे तो। सुपरमैन। वेरी गुड। नहीं नहीं। आयरन मैन नहीं। आर्मी। आर्मी बनना है। वेरी गुड। जय हिंद। जय हिंद। ओट्स कच्चे रह गए आज। जा रहा हूँ बाहर दवा लेने के लिए, चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं कैसा लॉकडाउन। अरे बेटा आपके जो दाने हो गए, आप जो खुजली करते रहते ना, इसकी दवा लेने जा रहे हैं। अभी मत करो, अभी मैं दवा लेके आता हूँ, खुजली मत करना, ठीक है? बारिश हुई थी, पूरी सीट भी हुई। सब पानी पानी भर गया है चारों तरफ। नीरज अग्रवाल यहां से लेनी है दवा। आद्विक मिश्रा के नाम से होगा। अच्छा आ गया वापस दवा लेकर के।
अभी जाना है सब्जी लेने। पूरा सामान ले आए, सैनिटाइज कर लिया अपने आप को, सब्जियाँ आ गई हैं, दवाई भी आ गई है, आज का दिन का पूरा सारा सामान आ चुका है। अब बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बाइक चलाई आज थोड़ी सी, अच्छा लगा बाइक चला करके। बहुत ही कम लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से जो भी लोग दिख रहे हैं वो या तो किसी काम से जा रहे होंगे, अपनी वैक्सीन लेने जा रहे होंगे शायद, पर जो भीड़ भाड़ है सड़कों पर बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कम है। पर जैसे सब्जी लेने जाते हैं वहाँ पर पहुँचने के बाद लोगों का जो धैर्य है, लोगों का जो पेशेंस है वो ख़त्म हो जाता है। सबको सबसे पहले सामान चाहिए, भले चाहे कोरोना या किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं है, इन्फेक्शन हो जाए, लोग रगड़ के चल रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, आगे जा रहे हैं, उनको सबसे पहले सामान चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बाहर जा रहे हैं, जब भी हम कोई सामान लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, किसी शॉप पे जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, तो एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है एटलीस्ट वन हैंड का तो हमें रखना ही रखना चाहिए। एटलीस्ट वन हैंड डिस्टेंस सबसे बना कर रखना चाहिए, कोई उसे नज़दीक ना आ पाए। हम कोरोना को तभी हरा सकते हैं जब हम सारे प्रोटोकॉल्स को रेगुलर फॉलो करें, स्पेशली मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। ध्यान रहे कि मास्क लगाने का जो तरीका है वो हमारी नाक ढकी होनी चाहिए, हमारे चिन या हमारे लिप्स इसको भी ढकना है, हमारे साथ में नोज को भी ढकना है, तभी हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगी। और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से बराबर दूरी बना कर रखें, कम से कम वन हैंड डिस्टेंस नहीं है तो एटलीस्ट अगर आप कर सकते हैं तो 1 मीटर का डिस्टेंस आप बना के रखें, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं, वरना हम कोरोना से हार जाएंगे। नमस्कार।